अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता या फिर जब हम खाली होते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागने लगता है और ऐसे समय में हम सोचने लगते हैं कि क्यों ना उंगलियां चटका ली जाएं। अब उंगलियां चटकाने से आराम तो मिलता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरे धीरे उंगलियां चटकाना हमारी आदत में शुमार होने लगती हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि हम बिना किसी कारण ही अपने शरीर के जोड़ों को चटकाने लगते हैं, अब ऐसा करना सही है या फिर गलत। अब सबसे पहले लोगों के बारे में बात करते हैं कि इस विषय पर लोग क्या सोचते हैं। तो खबरों की मानी जाए तो बार बार उंगलियां चटकाने से गठिया पड़ने का खतरा रहता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता करने के लिए कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने खुद अपने ऊपर 60 साल तक एक रिसर्च की है। जी हाँ, डॉक्टर डोनाल्ड अंगर अपने बाएं हाथ से टखने को दिन में 2 बार चटकाते थे, लेकिन दाएं हाथ को नहीं। इतने लंबे समय तक अपने ऊपर प्रयोग करने के बाद वो आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि उंगलियां चटकाने वाले और नहीं चटकाने वालों के हाथ एकदम सही हैं। इससे ये बात साफ है कि गठिया होने का कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि ऐसा करना ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा। दरअसल लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी कई चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कई विज्ञान में ऐसा दावा किया गया है कि ऐसा करना जोड़ों के लिए हानिकारक है, लेकिन इस संबंध में अभी तक ऐसी कोई बात साफ नहीं हुई है। Subscribe and press the bell icon for latest updates.